क्रियाकलाप एक। कांच की तीन स्लाइड लीजिए। पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से दिए गए चित्र के अनुसार तीन अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनोल्फथैलीन की डालें। इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज तथा तीसरी स्लाइड पर गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस की एक एक बूंद तीन अलग अलग स्थानों पर डालें। ध्यान रहे कि बूंदें आपस में ना मिलें। यदि क्रियाकलाप हेतु उल्लेखित सूचक उपलब्ध न हो तब जो सूचक उपलब्ध हों उनकी सहायता से क्रियाकलाप करें। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। दूसरे ड्रॉपर से दूसरी बूंद पर एक बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की डालें तथा रंग परिवर्तन को सारणी दो में नोट करें। विलयन बनाते समय हमेशा आसूत जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करती है, जिसका उपयोग रंग में हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा? सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रियाकर नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं? ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। आइए ऐसे सूचकों के साथ क्रियाकलाप करें। बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र का एक क्रियाकलाप करेंगे। रसायन शास्त्र में जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें से कुछ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षारीय और कुछ उदासीन। रासायनिक यौगिकों की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच के लिए एक बहुत ही प्रचलित तरीका है, जिसे आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही, लिटमस पेपर की सहायता से। देखिए, मेरे पास ये है लाल लिटमस पेपर और ये है नीला लिटमस पेपर। जब हम किसी रासायनिक यौगिक को लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं और यदि उसका रंग नीला हो जाए तो वो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। बिल्कुल उसी प्रकार यदि नीले लिटमस पेपर पर कोई रासायनिक यौगिक डाला जाए और यदि उसका रंग लाल हो जाए तो उस रासायनिक यौगिक की प्रकृति होती है अम्ली। क्योंकि लिटमस पेपर हमें रासायनिक यौगिकों के अम्लीयता और क्षारीयता की सूचना देते हैं, इसलिए इन्हें हम सूचक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, जैसे कि गुड़हल या गुलाब का फूल, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। बिल्कुल इसी प्रकार कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये अपने रंग में परिवर्तन कर हमें रासायनिक यौगिकों के अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं। चलिए हम इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो है, ये देखिए, तीन कांच की स्लाइड्स, फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और इसमें हमने गुलाब की पंखुड़ियों का रस लिया हुआ है। और उसकी अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करने के लिए हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मेथिल ऑरेंज को कांच की स्लाइड में तीन बूंदें इसकी ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार हमें इसे लेना होगा। ये मेथिल ऑरेंज है और इसकी तीन बूंदें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे ले लेते हैं। ये देखिए, ये हो गई मेथिल ऑरेंज की तीन बूंदें, ये हमने पहली स्लाइड में ली हुई है। इसके बाद हम ले लेते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की तीन बूंदें बिल्कुल उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ले लें। ये देखिए, और अब तीसरी स्लाइड पर हम लेंगे गुलाब के पंखुड़ी के रस की बूंदें।
इसे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीन बूंदे हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों स्लाइड में, पहली स्लाइड पर मैथिल ऑरेंज की तीन बूंदे ली हैं, दूसरी में फिनोफ्थलीन की और तीसरे में लाल गुलाब की। अब हम पहली स्लाइड में इसकी पहली बूंद पर, बिल्कुल उसी प्रकार दूसरी स्लाइड की पहली बूंद पर और तीसरी स्लाइड की पहली बूंदों पर HCl जो है वो हम डालते हैं। HCl की भी एक बूंद, एक एक बूंद हम इसमें डालेंगे और देखते हैं फिर कि इसमें हमें किस प्रकार का रंग परिवर्तन दिखाई देगा। ये देखिए, फिर फिनोफ्थलीन के उसमें हम ये HCl की बूंद डाल रहे हैं और उसके बाद लाल गुलाब की पहली बूंद पर। चलिए आगे हम कर लेते हैं पहले, फिर हम चर्चा करेंगे इनमें हुए रंगों में परिवर्तन की। अब मैं ले रही हूँ NaOH और इसे हम इनकी दूसरी बूंदों पर, कांच की स्लाइड की जो दूसरी बूंदें हैं उनमें हम डालते हैं दूसरी बूंद पर। ये देखिए, मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद पर ये मैंने NaOH की बूंद डाल दी। और अब फिनोफ्थलीन की दूसरी बूंद पर, और ये लाल गुलाब की दूसरी बूंद पर। तो चलो बच्चों, अब हम सूचकों में हुए रंगों में परिवर्तन को देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन और लाल गुलाब की जो पहली बूंद है जो हमने ली, उसमें हमने HCl डाला था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो देख लें। तो मेथिल ऑरेंज में जब हमने यहाँ इसकी पहली बूंद में HCl डाला तो यह ऑरेंज रंग से बदलकर यह लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार फिनोफ्थलीन की पहली बूंद पर हमने HCl डाला तो फिनोफ्थलीन देखिए पहले भी रंगहीन था और अभी भी हमें रंगहीन दिखाई दे रहा है, यानी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और लाल गुलाब में, लाल गुलाब की पहली बूंद पर जब हमने HCl डाला है तो यह गहरा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार अब हम दूसरी बूंद पर चर्चा कर लें। तो मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद जिस पर हमने NaOH डाला था, यह हमें पीला रंग का दिखाई दे रहा है। और फिनोफ्थलीन की दूसरी बूंद हमें गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसे हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फिनोफ्थलीन की दो बूंद और डाल दें तो आपको ये गुलाबी रंग स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं अब लाल गुलाब की ये जो दूसरी बूंद है इसको देखिए, यह हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो लाल से हरा हो गया। तो हम यह देख सकते हैं, यह हम कह सकते हैं कि जो सूचक होते हैं अम्ली और क्षारी प्रकृति में, अलग अलग सूचक जो हैं वो अलग अलग रंग दिखाते हैं।